This is lecture number 8 of GOC 1, and in this lecture सबसे पहले हम बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के बारे में, और फिर हम बात करेंगे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, बेसिकली एरोमेटिसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने दो पॉइंट्स पढ़ा था। एक पॉइंट्स को तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर लोन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तब इस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर आपके पास किसी साइकिल में, मान लेते हैं ये साइकिल है, इस साइकिल में, तो इस साइकिल में अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल की अगर हम बात करते हैं या लोन पेयर भी बात करते हैं, अगर इन चारों में से कोई भी डबल बॉन्डेड एटम के ऊपर प्रेजेंट है, देखिए डबल बॉन्डेड एटम प्रेजेंट है रिंग में डबल बॉन्डेड एटम के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव या लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये हो गया लोकलाइज्ड, ठीक है। तो यही दूसरा पॉइंट था। सो जैसे मान लेते हैं आपके पास ये एक एग्जांपल है, इसमें देखिए जो नेगेटिव चार्ज है वो साइकिल में डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ये लोकलाइज्ड होगा। क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखिए रेजोनेंस में वही पार्टिसिपेट करता है जो कि आपस में पैरेलल होते हैं पी ऑर्बिटल और बेसिकली जैसे, और प्लेनर भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इस तीनों डबल बॉन्ड की बात करें तो ये आपस में रेजोनेंस होंगे, और ये आपस में रेजोनेंस होंगे तो बेसिकली इनका जो पी ऑर्बिटल होगा ये आपस में पैरेलल होंगे और आपस में प्लेनर होंगे, तभी ये तीनों पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसमें, इस ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल जो है ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल से परपेंडिकुलर है यानी कि प्लेनर नहीं है, तो इसमें ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा और इसीलिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं वापस से। सो हम लिख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या लोन पेयर ऑन डबल बॉन्डेड एटम इन रिंग डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, दैट इज दे आर लोकलाइज्ड, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं आपके पास ये एक कंपाउंड है और यहाँ पे है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डेड रिंग में डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये भी लोकलाइज्ड होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये भी रिंग में डबल बॉन्डेड एटम पे प्रेजेंट है, तो ये भी लोकलाइज्ड है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, CH2NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी लोकलाइज्ड है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज डबल मेंबर के रिंग में है, तो ये भी लोकलाइज्ड है। अगर हम पायरोल की बात करते हैं तो पायरोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, यह है पायरोल, यह है पायरोल, पायरोल में ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये लोन पेयर जो है दिस विल बी डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। जैसे अगर हम एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन में NH2 पे आपके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, NH2 C डबल बॉन्ड O NH NH2,
इसमें नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, देखिए ये रेजोनेंस में है तो ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये लोकलाइज्ड है। इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये डीलोकलाइज्ड है। अब इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये लोकलाइज्ड है। सिमिलरली आप इसमें देखिए, इसमें नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो इस डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो दिस विल बी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये लोकलाइज्ड है। सिमिलरली इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये भी लोकलाइज्ड है। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास एक कंपाउंड के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, तो हम देखने जा रहे हैं कि उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान से सुनिए, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके बाद में रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, रेजोनेंस हाइब्रिड में वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो क्या बोला हमने कि कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि मान लीजिए एक कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल है एनिलीन की बात करते हैं, NH2। आपको पता है एनिलीन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ABCD, तो 4 ये 1 ये। तो इन चारों में से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट इन रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो इसको लिख लेते हैं। सो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट इन रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर स्टेबिलिटी। यानी कि RH में रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे डिफरेंट, जैसे मान लीजिए एनिलीन में आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो इन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इस चीज़ को पता करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे और वो रूल्स हम सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, मतलब एक के बाद एक रूल फॉलो करेंगे। जो सबसे पहला रूल है, रूल्स हम बात करते हैं, जो सबसे पहला रूल है वो क्या है कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसके सभी एटम का वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहला रूल है ऑक्टेट रूल, यानी कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उनके सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये पहला रूल है, आपको सीक्वेंस में फॉलो करना है, पहले आपको ये देखना है। अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर हम जाएंगे दूसरे रूल पे। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि आप इसको अनचार्ज्ड बुला लीजिए, अनचार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जिसपे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। तो ये सेकेंड है। अब मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में आपको सेम हो गया, फर्स्ट रूल भी सेम हो गया, सेकेंड रूल भी सेम हो गया, तब आप थर्ड रूल पे आइएगा। थर्ड रूल ये कहता है कि ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है ये मोर ई एन एटम पे है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस ई एन एटम पे है, तब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये थर्ड रूल है। मान लीजिए थर्ड रूल भी फेल हो जाता है, तब हम आएंगे फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल है डिस्टेंस फैक्टर रूल। क्या है? डिस्टेंस फैक्टर रूल। ये क्या कहता है कि अगर अपोजिट चार्ज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लेस सेपरेशन है, क्या है, लेस डिस्टेंस या लेस सेपरेशन है अपोजिट चार्ज में, या आप बोल दीजिए अनलाइक चार्ज में, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है।
लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में दूर हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। और अगर लाइक चार्जेस हैं तो इनमें ज़्यादा दूरी होना चाहिए, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? इन सभी पॉइंट को लिख लेते हैं। सो रूल्स क्या है? पहला रूल्स है, आपको इसको सीक्वेंस में ही फॉलो करना है। रूल नंबर वन इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम इज मोर स्टेबल, डन। सेकेंड रूल देखिए, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या जिसको अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बुलाइएगा इज मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थर्ड रूल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ई एन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस ई एन एटम इज मोर स्टेबल। फोर्थ रूल, डिस्टेंस फैक्टर है, लेस डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज एंड मोर डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन सिमिलर चार्ज या लाइक चार्जेस इज मोर स्टेबल, डन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मान लेते हैं आपके पास एक बहुत मोर ई एन एटम है, मोर ई एन एटम है यानी कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ए, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, और अगर ए का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या बात कर रहे हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एक तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इट विल बी हाईली अनस्टेबल। क्या होगा? हाईली अनस्टेबल, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कैसे हम चेक करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका है, कंप्लीट ऑक्टेट किसका है? पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। तो अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सो अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको देखिए ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ध्यान रखिएगा इसको। सो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन अगर दो बॉन्ड बना रहा है, इसके पास एक लोन पेयर होगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिर अगर ऑक्सीजन क्या करता है, तीन बॉन्ड बना रहा है और इसके पास एक लोन पेयर है और फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। क्योंकि देखिए दो दो चार दो छः दो आठ, आठ इलेक्ट्रॉन है यानी कंप्लीट ऑक्टेट है। फिर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देखिए दोनों तरफ से डबल बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो अभी भी इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कंप्लीट ऑक्टेट। फिर अगर हम हैलोजन की बात करते हैं, तो हैलोजन मान लीजिए दो डबल बॉन्ड बना रहा है और इसके ऊपर है दो लोन पेयर और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, अभी भी इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, तो कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो इसको लिख लेते हैं। सो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज हाईली अनस्टेबल, ये हम बात कर चुके थे। ऑक्सीजन अगर एक बॉन्ड बना रहा है, दो लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नाइट्रोजन दो बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऐसे पहचानिएगा आप मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में देख करके। फिर अगर ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सिमिलरली नाइट्रोजन दोनों तरफ से डबल बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हैलोजन डबल बॉन्ड बना रहा है, दो लोन पेयर है, हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ऐसे पहचानिएगा और रूल सीक्वेंस में फॉलो करना है। पहले ऑक्टेट चेक करिएगा, फिर न्यूट्रल और चार्ज चेक करिएगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, फिर डिस्टेंस फैक्टर पे आएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। सो क्वेश्चन है अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहला क्वेश्चन देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, CH2 नेगेटिव CHCl और CH2 पॉजिटिव CHCl, CH नेगेटिव Cl। पहले जो रूल है वो क्या कहता है? ऑक्टेट चेक करने के लिए। तो अब ध्यान से देखिए, क्लोरीन में दो दो चार दो छः दे आठ, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि कंप्लीट ऑक्टेट, और ये न्यूट्रल है। फिर इसका ऑक्टेट देखिए, इसमें देखिए क्लोरीन दो चार दो छः दो आठ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें देखिए
दो दो चार दो छः दे आठ, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, पर इस कार्बन को देखिए, दो हाइड्रोजन हो गए तो चार दो छः, यानी कि इसमें छः इलेक्ट्रॉन हैं, तो यानी कि इस कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो पहला रूल ही लग जाएगा, रूल सिक्वेंस में पहला रूल था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में देखिए, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इन दोनों का ऑक्टेट कम्प्लीट है, तो पहले तो इन दोनों का स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगा, फिर हम इसमें बात करते हैं। फिर ऑक्टेट रूल इन दोनों का सेम हो गया, क्योंकि दोनों में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। फिर हम चेक करेंगे न्यूट्रल है या चार्ज है, तो ये देखिए न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो न्यूट्रल का ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है चार्ज से, तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और फिर ये और फिर ये, तो पहले हम चेक करेंगे ऑक्टेट, फिर न्यूट्रल है या चार्ज है, और फिर ई एन फैक्टर, और फिर डिस्टेंस फैक्टर। सो पहला रूल लगाएंगे हम ऑक्टेट रूल, तो इसमें देखिए इस दोनों मॉलिक्यूल का, दोनों कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। फिर इस दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, आप चेक कर लीजिएगा, तो कंप्लीट ऑक्टेट वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो इस दोनों का स्टेबिलिटी इन दोनों से ज़्यादा होगा, तो पहला ये हम लिख दिए। फिर हम बात करते हैं इस दोनों में, इस दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो पहला रूल ख़त्म। फिर न्यूट्रल और चार्ज की बात करते हैं, तो दोनों चार्ज है, तो ये भी ख़त्म। फिर हम बात करते हैं ई एन फैक्टर के बारे में, यहाँ देखिए ऑक्सीजन इनकम्प्लीट है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दिस इज हाईली अनस्टेबल, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो गया। फिर इस दोनों की बात करते हैं, इस दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी पहला रूल नहीं लगेगा। दूसरा रूल, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू चार्ज्ड वन, तो ये चार्ज्ड है, ये न्यूट्रल है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट कम्प्लीट है, तो पहला रूल ही लग गया, कम्प्लीट ऑक्टेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट कम्प्लीट है, तो वापस से सेम पहला रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में पहले तो हम देख करते हैं ऑक्टेट कम्प्लीट है या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो दोनों का ऑक्टेट कम्प्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कम्प्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कम्प्लीट है, कैसे चेक करिए, ऑक्सीजन दो दो चार दो छः दे आठ, इसका ऑक्टेट कम्प्लीट, कार्बन देखिए दो चार दो छः दो आठ, इसका भी कम्प्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कम्प्लीट, इस कार्बन को देखिए दो दो चार दो छः दो आठ, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब दूसरा रूल क्या कहता है, न्यूट्रल और चार्ज, तो देखिए दोनों चार्ज्ड हैं, तो दूसरा रूल भी फेल हो गया। फिर ई एन फैक्टर यूज करिए, ई एन फैक्टर यूज करिएगा, तो देखिए नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दिस विल बी हाईली स्टेबल, तो थर्ड रूल लग गया, दैट्स इट। फिर इस क्वेश्चन में देखिए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है और ये न्यूट्रल है, तो इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ये चार्ज्ड है इसलिए इसका स्टेबिलिटी कम होगा। फिर इस कंपाउंड में देखिए, पहला ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, इसमें देखिए ये कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है और ये दोनों चार्ज्ड है, तो पहला रूल था ऑक्टेट तीनों का कंप्लीट है, फिर था चार्ज और न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा, और बी और सी, बी और सी में चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो अनलाइक चार्जेस है वो पास है, अनलाइक चार्जेस पास है, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसलिए सी ज़्यादा स्टेबल होगा बी से। फिर देखिए फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये सब है, तो इसमें देखिए फिनॉल में ये तो न्यूट्रल है, वन और फाइव न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का स्टेबिलिटी ज़्यादा, पहले ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, फिर न्यूट्रल, तो वन फाइव का स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो वन और फाइव का स्टेबिलिटी बराबर है लेकिन सबसे ज़्यादा है। फिर देखिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों सेम डिस्टेंस पे है, यानी टू फोर का स्टेबिलिटी सेम होगा और थ्री से ज़्यादा होगा, क्योंकि थ्री में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो दूर हो गया, तो डन, तो ये है। अब हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में, तो एरोमेटिसिटी को डिस्कस करते हैं, एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एक होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड डायमैग्नेटिक होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होता है। एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दोनों, ये रूल्स हैं कि दोनों साइक्लिक होना चाहिए, दोनों प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन, और एरोमेटिक कंपाउंड में कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए,
इसमें भी कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। अब नेक्स्ट रूल इसमें डिफर कर जाता है, तीन रूल सेम है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, एरोमेटिक कंपाउंड वो होगा, इट फॉलो हकल रूल। हकल रूल क्या कहता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और डीलोकलाइज सिस्टम में अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है किसी कंपाउंड में और वो डीलोकलाइज है, जहाँ पे n 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अगर कोई कंपाउंड ये रूल फॉलो करता है, 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ था 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और जहाँ n का वैल्यू होगा 1, 2, 3, तो ये होगा एंटी एरोमेटिक। जैसे मान लेते हैं 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करने वाले को एरोमेटिक कहते हैं, n का वैल्यू 0 रखें तो 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। n का वैल्यू 1 रखे तो 1, तो 4 प्लस 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली 2 तो 10, तो यानी कि जो ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें, जिस कंपाउंड में, वो होगा एरोमेटिक। जिसमें इवन पेयर होगा वो होगा एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक में जो रूल फॉलो होगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू स्टार्ट होगा 1, 2, 3 से, 1 से स्टार्ट होगा। तो ऑड पेयर एरोमेटिक, इवन पेयर एंटी एरोमेटिक। जो एक और कंपाउंड होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक साइक्लिक भी हो सकता है, असाइक्लिक भी हो सकता है। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक कंडीशन यानी 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता है, या 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। ये साइक्लिक भी हो सकता है, असाइक्लिक भी हो सकता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन एरोमेटिक, और बाद में होगा एंटी एरोमेटिक। इसको याद रखेंगे अन्ना के ट्रिक से, ए फॉर एरोमेटिक, एन ए फॉर नॉन एरोमेटिक, ए फॉर एंटी एरोमेटिक, इसको ऐसे याद रखेंगे। एंटी एरोमेटिक जो होता है इट इज़ हाईली अनस्टेबल, और ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में डाइमराइज कर देते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं ताकि स्टेबिलिटी गेन हो सके। सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली अनस्टेबल, डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दे डाइमराइज और शो रेडॉक्स रिएक्शन टू गेन स्टेबिलिटी। जैसे ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को, इसमें देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, और कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। और इसमें देखिए टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इवन पेयर है, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ऑड पेयर होता तब इसको एरोमेटिक बुलाते हैं। एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डाइमराइज करके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। कैसे डाइमराइज होगा, देखिए इस बॉन्ड को तोड़िए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। सिमिलरली ऐसा एक और कंपाउंड लीजिए, इस बॉन्ड को तोड़िए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो बीच में एक और साइक्लिक रिंग बनेगा और ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और नॉन एरोमेटिक का स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होता है, इसलिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपस में डाइमराइज करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डाइमराइज करके या तो एरोमेटिक बनाएगा या नॉन एरोमेटिक बनाएगा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, पर हम उल्टा नहीं जा सकते कि नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हो गया, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी कंपाउंड पे नेगेटिव या लोन पेयर है और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो नेगेटिव या लोन पेयर को हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 1 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और अगर पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव चार्ज टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, तो इसको 0 पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए साइक्लोप्रोपीनाइल कैटाइन, या तो आपको ऐसे लिख के देगा या आपको ऐसे बना के देगा। तो ऐसे बना के देगा तो पहले आप इसको ऐसे कन्वर्ट करिएगा, ठीक है, साइक्लोप्रोपीनाइल कैटाइन। इसमें देखिए 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ऑड पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एरोमेटिक होगा। तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है। हकल रूल क्या होता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और n के जगह हम 2 लेंगे तो n आ गया 0, इट फॉलोज हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक होगा। इसमें देखिए इसमें साइक्लिक है, रेजोनेंस है, प्लेनर है, और 1, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इवन पेयर है, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक होगा, और ये तो अभी हम बात करके आए हैं।